सामने अपने एक मूर्ति है जो श्री चिला राय के नाम से है, जो यहाँ आसाम के फ्रीडम फाइटर थे, जो ये रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब वॉर हो रहा था ना, ये अपना दादी जी है, दादी जी ने यहाँ पर रह के गांधी जी को देखा। किसको देखे आप? गांधी जी। और ठीक है, ये देखो सब काम कर रहे, ये बैठ के आराम कर रहे। वाह, मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे भाई के चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे किचन में काम चालू है। देखो पूरा मैंने स्क्रिप्ट दे दिया था, रट्टा मार दिए। तो आज क्या बन रहा है भाजी? अभी तो चना से शुरुआत किया, आज गोश्त पुलाव बनने का प्लान है। ओह माय गॉड, यहाँ पे पप्पू बहुत मेहनत कर रहे हैं। वीडियो देख के ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यस, और इंग्लिश? यस आपको? ले बाप रे, अपनी दादी। ये देखो, ये अभी इधर आ गए, काम नहीं करते, सिर्फ किचन घूमते। पहले मैं अपना इंट्रो स्टार्ट करूं। भांजा डग्गू, क्या नाम है? डग्गू। देखा डांस? देखो भाई, वर्ल्ड बेस्ट डांस। ऐसा नहीं कर सकता, माइकल जैक्सन भी तुमसे हार मान गया। मेरे साथ ही यहाँ आने से सोने के लिए बोलता है, देखिए। अभी डांस तो माइकल जैक्सन तो कोई नहीं कर सकता, टाइगर श्रॉफ भी नहीं कर सकते तुम से डांस। खाना नहीं खाता, चाय बिस्किट से, और क्या नाम है, क्या चाय बिस्किट, और चाय बिस्किट में इसका 6 साल गुजर गए। खाना खाया ही नहीं है, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई कि 6 साल से चाय बिस्किट में जिंदा है, और थोड़ा बहुत ठंडा उंडा पी लेता है ना, तो खाना तो खाते, चावल तो खाता ही नहीं है, और ना कुछ भी नहीं खाता है। मैं इसको बोला हूँ कि खाना खाया करो, ना तो फिर जाके हम लेके नहीं जाएगा बाहर, हम ब्लॉग में तुमको ले गए नहीं। ये अपना घर, इधर ही अपना सोया, देखो कैसे आके पड़ गया। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, पर फिर से नए ब्लॉग के साथ मैं स्वागत आओ स्वागत है बोलो बोलो स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ये मेरा भांजा है, खाना नहीं खाता है, चाय और रोटी पे, चाय और बिस्किट पे जिंदा है। 6 साल से बोलो, 6 साल से ये चाय और बिस्किट। इसको मैं समझा रहा हूँ ना, तो मैं तुमको व्लॉग में काट देगा, तुम्हारा व्लॉग नहीं लेगा। मैं पतली नहीं होगा क्या? हाँ नहीं, तू फेमस भी नहीं हो पाएगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके अभी चाय, अभी गाइस ये अभी ना रोटी और सब्जी खाएगा, हम उसका व्लॉग बनाएगा। हाँ तो चलो रोटी सब्जी खाएंगे, चलो। ये ठंडा देखो, ये यही सब पीता है। तो अभी आज रोटी सब्जी खाएंगे, खाएंगे बोलो, खाएंगे ना। हाँ चलो दिखाता हूँ आपको, ये खाता है रोटी सब्जी। डग्गू आज खाएंगे रोटी सब्जी, और आपको देखने मिल जाएगा 6 साल बाद नया इतिहास कि डुग्गू ने खाया रोटी सब्जी ना तो खुल गया। चलो आज नया इतिहास बनेगा, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, आज नया इतिहास बनेगा, डुग्गू ने खाया रोटी सब्जी। चलो कहाँ है रोटी सब्जी? आया तो ये वापस करवा दिया है, अब इसको वीडियो में काट देगा, हम नहीं दिखेगा, इसका व्लॉग नहीं बनाएगा अब। ये अपना दादी जी है, दादी जी ने यहाँ पर रह के गांधी जी को देखा ना, किसको देखे आप? गांधी, गांधी जी और इंदिरा गांधी, ये सबको देख के बाप बाप सबको देख लिया। बाप रे बाप, इससे मालूम पड़ता, मैंने इनसे पूछा कि इनका एज क्या है, पता नहीं पता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बता रहे तो इनका एज प्लस ही चल रहा होगा। हाँ गांधी जी को देखे भाई, मतलब बोलते यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अभी देखो पूरा घर और बन गया। मेरी मम्मी बता रही, क्या बोल रही है, क्या जोड़ता था? भूत भूत। अरे बाप रे बाप, दादी बड़ा खुश है। भाई अपना हिसाब कर रहे, आपको दिखाता है, इधर का भी आपको दिखाया था, ये जीजा का पापा। वीडियो को व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। ये सब दुकान अपना, सब अपना जीजा का ही है, तो हमारा जीजा का काम चालू है। ये सब दुकान, ये दुकान है ना, ये भी है ना, 4-5 होलसेल का दुकान है, और बाहर भी दुकान है, यहाँ पे भी है। ये सब मेरे जीजा का होलसेल का चलता है ना, होलसेल का बिजनेस ना, मुझे इतना नहीं मानता। अभी तुमको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर का तुमको दिखाता हूँ, गोडाउन दिखाता हूँ, और सामने भी गोडाउन है, वो भी बताता हूँ मैं। तो
आपको घर भी बताता हूँ मैं पहले। ये देखो ये दूसरा दूसरा गोडाउन, ये मतलब कि जो भी माल का जो भी पुट्ठा उठा बोलते ना खाली करने के बाद में उसको निकाल के इधर रखते हैं। तुमको ऊपर भी लेके चलता हूँ, अरे सामने भी। ठीक है, ये देखो सब काम कर रहे हैं, ये बैठ के आराम कर रहे हैं। वाह, खाओ पान करो, खाओ पान करो आराम। कहाँ भाई, नहाकर मेरा हो गया है और बाल कटने के बाद में बहुत सा चेंज सा लग रहा होगा मैं तो। फिलहाल तो ये अपना कपड़े रखे हुए हैं, ये कपड़ा पहनते हैं फिर बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। नहीं, उससे पहले मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद ही निकलूँगा मैं। और टी शर्ट मैंने यही डाल दिया था क्योंकि मैं ऐसे बाहर लंगा पुंगा घूमूँ तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं बिट्टू भाई को भी बोल दिया कि खाना खाने के बाद में निकलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो तो रोज़ा है, मैं रोज़ा नहीं हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ फिर अपन काम। मुझे जो नॉलेज नहीं है यहाँ का कोई जगह का, तो बिट्टू भाई को नॉलेज है, तो बिट्टू भाई मेरे साथ में जाएंगे, वो बताएंगे। उनके साथ में शायद कोई दोस्त आएगा, वो पता नहीं मुझे, वो भी बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि उनको यहाँ का आसामी लैंग्वेज आता है और मुझे नहीं आता है, तो मैं कैसे पढ़ के बता दूँगा, कुछ करके बता दूँगा या ये है ये वो है, तो वो समझाएंगे फिर मैं आपको वीडियो में बता दूँगा। पहले तो ये कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन के अपन चलते हैं बाहर। चलो तो गाइस, जैसे कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और यहीं बाहर से स्टार्ट किया, अभी मैं जाता हूँ, मैं वो अपना बिट्टू भाई उधर है, फिर यहाँ से निकलते किधर और जाने का है। अपना ड्रेस व्रेस एकदम सिंपल सा भाई, अभी यहाँ पे लेके बिट्टू भाई एकदम रेडी, एकदम हनी सिंह भाई। बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने कभी लाइफ में अपना गुजरात में हेलमेट नहीं लगाया, नहीं यहाँ पे आने के बाद में मैंने भी खुद हेलमेट लगाना बेहतर समझा। के लिए रखे हैं। हाँ, रखना पड़ता है भाई, पुलिस का मार से बचना है तो फाइन फाइन भी लगता है ना, बहुत डेंजर। तो अभी कहाँ जाने का है वो तो अभी बताएंगे बिट्टू भाई, कहाँ जाने का, क्या करने का है, कैसे करने का है, क्या ब्लॉग में किधर कौन सा जगह बताना है। मैं इधर का नया हूँ, मुझे पता नहीं, ये बिट्टू भाई लेके जाएंगे, उनके साथ में शायद से दोस्त भी आ सकता है, वो दोनों मिलकर मुझे बताएंगे जो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और दिखा दूंगा। पहले तो चलते हैं, चलो। अभी जैसे कि हम लोग पहुंच चुके ब्रह्मपुत्र नदी, जो कल बता नहीं पाया था आज मैं बता रहा हूँ, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हो स्टीमर, बड़े बड़े एकदम नाव खड़े हुए भाई, से इतना सामने से अपन देखे ही नहीं। ये देखो, ये तो स्टीमर वहाँ पे चल रहा है, ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत लंबा चौड़ा में भाई। ये देखो पूरा सामान आ रहा है, कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है, ये राशन चावल जितना भी दिख रहा है तुमको, और वहाँ पे अपना रेडी होके बैठे बैठे। अब एक तो नाव बाहर ही खड़ी है और यहाँ पे बहुत सारी नाव यहाँ पे खड़ी पड़ी है। घूमने तो मम्मी ने मना किया है, ना तो मैं एकदम सोचा था, हम दोनों ने सोचा था कि बिट्टू भाई ने और मैंने सोचा था कि नाव में घूमेंगे ऐसा करके, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, बोल लेकिन नाव में नहीं जाना। ऊपर से दादी ने बता दिया कुछ दिन पहले यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, पूरा परिवार डूब गया था क्या। हाँ, तो दादी ने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला ठीक है अब जाना ही नहीं है। तो ये सब पूरा जो लॉन्च होता है ना, वो पूरा डूब गया था, कम से कम 80-90 आदमी था इस तरफ, चले गए, पूरा डूब गया। हाँ, इसलिए अभी मेरा मना, अभी तो पानी बस सूखा सूखा है, वरना वो गेट तक आ जाता है पानी। बाप रे बाप, वो जो मेन गेट देखे थे ना वहाँ पे, उधर तो लगाता है पानी। और ये बहुत गहरा भी है ना ब्रह्मपुत्र नदी, सुना हूँ मैं बहुत ज्यादा। ये सब जितने भी आ रही है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये सब आपका, जाएंगे इधर नदी का उस पार, जैसे हाथ सिंगी मारी वगैरह वगैरह, फूलबाड़ी, ये सब नहीं होता है। हाँ, ग्राम है, गांव है। अच्छा, उधर ना भाई, वहाँ जाएंगे, मेघालय से भी जाता है यहाँ से। अच्छा, तो मैं आपको सामने जाके दिखाता हूँ क्या क्या लोड किया है। इधर जूता खराब हो जाएगा ना, मट्टी देखो कैसा है। गोवा लाइट, गोवा लाइट। गोवा में आएंगे तो फिर तो आदमी उधर बर्बाद हो जाते हैं। कैसे, पैसा बहुत लगता है उधर। चलो, हाँ यहाँ फ्री में, वहाँ पे पैसे देके चलो। यहाँ जो था ना, हाँ हाँ, वो आया था तो यहाँ पे। अच्छा, ये बांग्लादेश से भी बोट सब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे माल देके जाते क्या, मतलब फिर वो पासपोर्ट लगता होगा ना उन लोग का। हाँ, उन लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह होता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये वीजा लगता होगा। अच्छा, फ्लैग लगा के आते हैं, परमिशन लेते होंगे ना। हाँ, ना फिर तो लग जेल में जाएंगे। देखो पूरा काम चालू है, इधर से उधर सामान पहुंचा रहे हैं। यही टाउन से जाता है, उस नदी उस साइड जो जितना भी गांव वगैरह है। हाँ हाँ, सब यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। अच्छा, कितना दूर यहाँ से बांग्लादेश होगा। ये सब सामान उधर इधर जाएगा ना। ये तो इधर उधर जाएगा, मेघालय फुलबाड़ी इस साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा,
कभी यहाँ से कहाँ निकला? मैं तो ज्यादा यहाँ पे ट्रेवल नहीं किया हूँ ना, बोट वोट में मुझे आइडिया नहीं, उस पर नहीं गया वरना मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता, एक्सप्लेन कर पाता। अब मैं तो एकदम ही नहीं गया तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, जो भी है बता रहे बिट्टू भाई तो कर रहे अपन। तो यहाँ से अभी कहीं और निकलते हैं, आपको बताना था बता दिया यहाँ पे। चलो भाई अभी हम किसके ऊपर है, नाव के ऊपर में बैठे भाई, बैठे नहीं है खड़े है, ये पूरी नाव है भाई, भाई बहुत लंबा चौड़ा नाव है भाई। यहाँ ही पे अपन थोड़ा सा नज़ारा लेते हैं, फिर यहाँ से फिर निकलेंगे डायरेक्ट कहीं किधर और जाएंगे, देखेंगे और घूमने का कोई जगह होगा तो होगा, नहीं क्या मैं ऐसा टाइम में आया हूँ ना कि अच्छे से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, अच्छा अच्छा मैं एक्सप्लोर कर नहीं पाया। मैं नेक्स्ट टाइम और आऊँगा ना, मैं तो कल निकल जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर ये बिट्टू भाई पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करवा देंगे मुझे और मुझे बता देंगे। जब दो दिन के लिए आया तो उसमें क्या ही कर पाऊँगा, जो कर रहा हूँ मैं देखने मिल रहा है आपको और मैं दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का ज़रूर होगा, हाँ ज़रूर अच्छा अच्छा जगह जाएंगे, इनका कॉलेज जाएंगे जो क्या हुआ है उनका वो कॉलेज में आसाम का बेस्ट कॉलेज अवार्ड मिला है। ओ आसाम का बेस्ट कॉलेज अवार्ड उनको मिला, और ऐसे बहुत सारी जगह जो यहाँ पे एक ब्रिज है, क्या क्या नाम नाम हमने पढ़ा है, नाम तो पता नहीं फिलहाल, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज, लंबा ब्रिज होने वाला, सबसे लंबा फुलवाड़ी ब्रिज होगा, फुलवाड़ी ब्रिज ऐसे कुछ नाम से होगा, तो वो भी दिखने मिलता है, लेकिन अभी टाइम ही नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे, और अभी बहुत सारे काम अटके पड़े हैं, इनके बहुत काम पड़े हुए, भाई इतना ही टाइम दिया है इतने में इतना कर रहे, जो कि मेरा जीजा है तो इतना कर रहे हैं, फिर अभी कहीं और जाएंगे तो देखने मिलता है। यहाँ तो फिलहाल अभी नाव पे ही घूम रहे हैं अपन। कंस्ट्रक्शन साइट ये यहाँ पे जो भी ब्रिज का काम चल रहा है, पाइलिंग हो रहा है, हाँ पाइलिंग वाइलिंग ये सब हो रहा है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई। चलो I need help, it's so cold outside and I'm going through hell, I don't feel alive, sometimes I can't tell, cause every day I try but I think I need help, maybe if I fight one day I'll be well, want someone by my side but I'm stuck in my shell, want someone to rely on but every day। जैसे कि अभी इन्होंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया जो कि मैं भी उसमें देखने मिल जाऊंगा, फिलहाल तो यहाँ से फोटो शूट दो चार फोटो भी खिंचाए, अच्छा अच्छा फिर यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। जी किधर और जाएंगे? और पार्क जाएंगे, पार्क जाने वाले धूपगुड़ी पार्क है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे पूरा तो हो गया व्लॉग, अब भाई ने स्टार्ट कर दिया, इसको सपोर्ट करो भाई, मेरा जो गुजरात के लोग है जो मेरे गुजरात से देखते हैं, अभी इनका भी चैनल आएगा जो कि मैं नाम डाल दूंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते तो ये अपना गुरुद्वारा है, यहाँ पे अभी क्या कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो मैं इधर तो कर नहीं पाऊंगा, और अलाउड है कि नहीं है वो भी मुझे पता नहीं है ना, तो ऐसे घुसना अच्छा नहीं बात है, देखेंगे अगर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो पूरा बन जाएगा, तो फिर हम घूम लेंगे और आपको बता देंगे। चलो ये जैसे कि अपना धूपगुड़ी का धूपगुड़ी में हर बार फपलता हूँ, हर बार कन्फ्यूज होता है धूपगुड़ी होता है या धूपगुड़ी होता है, तो उसके गार्डन में मैं अभी हूँ जो अपना लेके आए थे भाई, तो यहाँ कल भी आया था, जो कल जो आप लोग को अच्छे से मालूम नहीं पड़ा होगा और अच्छे से देखने नहीं मिला होगा, क्योंकि शाम हो गया था, रात का टाइम ऐसा हो गया था, तो मैं पूरा अच्छे से नहीं बता पाया। यहाँ देखो यहाँ पूरा वोट वोट चल रहा है, यहाँ पे पूरा नदी का सीन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, और हम भी निकाले दो चार फोटो जो कि इंस्टाग्राम में देखने मिल जाएगा आपको, अपलोड करूँगा, कि रील्स तो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि रोज़ा चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस टाइम में कोई रील्स नहीं बनाते ना कुछ। अपना जो आप निकलेंगे कहीं और, जैसे कि आप लोग देख लो मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ, ये देखो कल जहाँ पे मैं आया था वही एरिया है, ये पूरा ये मालूम है पूरा पानी आने का, तो पूरा जो ये पूरा घर वर दिख रहा है ना पूरा, ये सब डूब जाते भाई, वो उधर भी घर है तुमको पता चलेगा कि नहीं, उधर पूरा घर वर है पूरा डूब जाता है, फिर एक डेढ़ महीना पानी रहेगा, पानी चला जाने का फिर वो लोग रहने के लिए आ जाते हैं, ऐसे चलता है ना। हाँ ऐसे चलता है, बाप रे बाप, मैं तो बोलूँ कभी रहूँ ना उस जगह पे, डर लगेगा वैसे, डर के जीना क्या भाई, मैं बोलूँगा दूसरी जगह जाकर भाड़े लेकर रूम लेकर रहना वो बेटर है, ऐसा आ गए यहाँ पे रह नहीं पाएगा, हम लोग कैसे रहते हैं, मैं वही सोच रहा कि बताया ना, तो मुझे लगा भाई ऐसे कैसे रह सकते हैं हम, तो फिर एक डेढ़ महीना बाद में फिर रूम खाली करो फिर जाओ फिर मतलब कि फिर से सामान शिफ्ट करो, कितना डिफिकल्ट होता होगा, पूरा घर ही डूब जाता है ना। नहीं नहीं मुझे, मैं तो ये सबसे बहुत वो लगता है, कंटाल आता है, मतलब कौन इतना करेगा। चलो अभी यहाँ से घर पे निकले, घर पे देखने मिल जाएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलो आज तो बहुत घूम लिया इतना बस। चलो सामने अपने एक मूर्ति है जो श्री चिला राय के नाम से है, जो यहाँ आसाम के फ्रीडम फाइटर थे जो ये रहे, ऐसा कहा जाता है कि जब वॉर हो रहा था ना उसके दौरान एक छलांग में पूरा नदी पार कर दिया था इन्होंने, तो
अपने घोड़े के साथ, अपने घोड़े के साथ में। यकीन नहीं होता भाई ये सब, ऐसा भी कहा जाता है इतिहास का। हाँ, कहते हैं इतिहास जो बोला जाता है, जो आधा से आधे लोग ना यकीन नहीं करते। डायनेस्टी के थर्ड सॉन थे ये। ब्रिटिश यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाया, ब्रिटिश ना मुगल कोई नहीं कर पाया आसाम में ना। तो यही थे उनके कारण जो इन्होंने इतना लड़ा और अपने आसाम को बचाया। तो अभी यहाँ से घर के लिए निकलते भाई लोग। सकते इतना ऊंचा में है जो कि आधा पूरा पानी इधर भर जाता है और हम इतने नीचे में पड़े हुए, ये पूरा डूब जाता है पूरा एकदम। पूरा ऊपर तक भर जाता है भाई, पूरा फर्स्ट फ्लोर तक भर जाता है भाई। हाँ वहाँ पे मैं पानी में गया तो फिर गया ही, तैरना जिसको नहीं आया वो तो चला जाएगा भाई। मुझे कितना लग रहा है उतना ऊंचा। हाँ हम देखो ऐसे लग रहा है कि नीचे है वो पहाड़ है एकदम, जब पूरा भर जाता है। तो अभी इतना बताना बताती है, अभी यहाँ से घर पे निकलेंगे। आज रोजा का भी टाइम हो गया है। हाँ ना, और इन्होंने रोजा रखा है, मैंने नहीं रखा है। मैं काफी देर तक घूम रहा हूँ इनको लेके। ट्रैवल में माफ होता है ना। चलो चलते हैं, इनका रोजा भी खोलना है। देख सकते हो यहाँ पे आके ना पूरा बोट रुकती है और ये पूरा सीनरी एकदम मस्त है। और ये बोट चल नहीं रही है, ये बोट रुकी हुई है और हम यहाँ पे बैठ के फोटो, दो चार फोटो निकाले और दो चार सिनेमैटिक निकाले जो कि आपको देखने मिल जाएगा। मैं और अपना बिटू भाई क्या सीन तो छोड़े, सबसे पहले तो मेरे को लगता है यही सीन लेना चाहिए था। यहाँ पे देखो पूरा मस्त से बड़ा बोट पड़ा हुआ भाई, और ये चलेगी नहीं भाई। यहाँ पे दुकान भी लगा हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। ये जगह सबसे पहले करना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं कर पाया। और वहाँ पे देखो बड़ी सी नाव आई है, आपको मैं बताता हूँ। ये देखो क्या सीन है भाई, हाँ अगर इसको फोटो लेगा ना बहुत खतरनाक सीन लगेगा एकदम। तो एक दो फोटो लिया जाएगा और दो चार सिनेमैटिक। चलो ऐसे तो मन एकदम सा नहीं हो रहा जाने के लिए, लेकिन तो भी अभी निकलना पड़ेगा यार। तो निकलते हैं घर पे क्योंकि रोजा भी खोलना है और कल जाना भी है। चलो निकलते हैं यार। हाँ, चलो घर पे मिलते हैं। तो जाने का मन ही नहीं हो रहा है। एक चीज बताए तो एक चीज यहाँ पे रेडी है, ये अपना जो सामने दिख रहा है पांच पीर दरगाह है। एक पीर का यहाँ पे और एक पीर का थाना का सामने, थाने के सामने आए थे। यहाँ पे पांच पीर आए थे यहाँ पर, ये उसमें से किनका इन एक का है ना, यहाँ पे एक है और वहाँ पे वहाँ पर एक है, थाने के सामने और एक है। तो इधर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता भाई। बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया यार, 1662 देखिए। बाप रे बाप, देखिए इतना पुराना है भाई, 1662 का भाई। कसम से बोलो जाने का एकदम मन नहीं हो रहा है यहाँ पे और घूमने का। अभी तो बोला कि और कुछ दिखने मिलेगा ना यहाँ पे, स्केटिंग सब करते हैं, मेले में भी तो जाना है, मेले में भी जाना है यार, मेले का भी व्लॉग करना है। तो इतना बस इतना ही इनफ करते हैं, अभी अभी चलते हैं बिल्कुल घर पे यार, रोजा भी खोलना है पक्का पक्का। चलो पक्का घर पे मिलते हैं। Maybe if I fight, one day I'll be well. Want someone by my side, but I'm stuck in my shell.